आधी थी हमारी सेना पर दोगुने चीनी सैनिक मार गिराए। चीनी सैनिकों ने अचानक किया हमला, पीठ के पीछे से किया वार। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा चीन ने 1969 में रूस के साथ किया। पहले ड्रोन से भारतीय सैनिकों की संख्या का पता लगाया, फिर किया हमला। गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान चीनी सैनिकों ने कायरता की सारी हदें लांग दी। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर जिस जगह ये झड़प हुई है, वहां चीनी फौज ने अपनी भारी संख्या का फायदा उठाकर पहले भारतीय सैनिकों को घायल किया और फिर उन्हें LAC से काफी अंदर तक ले गए। कई घंटे बाद जब चीनी फौज ने भारतीय सैनिकों को वापस LAC पर छोड़ा तो वे अंतिम सांसें ले रहे थे। घटनास्थल के सबसे करीब स्थित ITBP बेस कैंप पर तैनात सूत्रों ने यह जानकारी दी। भारतीय सैनिक इस भरोसे में रहे कि LAC आई चीनी फौज धीरे धीरे पीछे चली जाएगी। सूत्रों का कहना है कि जब पहली झड़प शुरू हुई तो उस वक्त भारतीय सैनिकों की संख्या 4 दर्जन से अधिक नहीं थी। चीन ने 6 जून को हुए समझौते की शर्तें तोड़ दी और इसी का फायदा उठाकर भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता करने शुरू कर दी। जब यह झड़प शुरू हुई तो उस वक्त चीनी सैनिकों की संख्या 700 से अधिक थी। रात 11 बजे तक भारतीय सैनिक भी अच्छी खासी तादाद में पहुंच चुके थे, लेकिन चीन के मुकाबले वह संख्या काफी नहीं थी। सूत्रों ने बताया कि चीनी फौज की यह झड़प एक बड़ी सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। चीन ने अपने सैनिक LAC के निकटवर्ती इलाकों में छिपा रखे थे। झड़प पर पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल VP मल्लिक ने कहा कि भारत को अब LAC पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ानी होगी। आपको बता दें, चीन ने इस पूरी घटना को ठीक उसी तरह अंजाम दिया है जैसा 1969 में उसने रूस के साथ किया था। तब भी चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या दुनिया से छिपाए रखी थी। असल में यह उसकी पुरानी रणनीति का हिस्सा है। 51 साल पहले 2 मार्च 1969 की सुबह जब सोवियत बॉर्डर गार्ड के जवान जब रेंच में ही थी, तब चीनी सैनिकों ने रूसी सैनिकों पर हमला कर उसके 32 जवान मार गिराए थे। बताया जा रहा है कि भारतीय सैनिकों के खिलाफ चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा ली थी, फिर भी भारतीय पक्ष ने उनसे लड़ने का फैसला किया। भारतीय सैनिकों की संख्या चीनी सैनिकों की अपेक्षा अधिक थी। बताया जा रहा है कि चीन ने भारतीय सैनिकों का पता लगाने के लिए पहले थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया, उसके बाद अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा ली। सूत्रों ने कहा कि हमारी याद में यह चीनी सेना द्वारा भारतीय सेना के जवानों पर किया गया सबसे घातक हमला था। बताया जा रहा है कि भारतीय सैनिक उस स्थान पर गए थे जहां पर तनाव हुआ था। वे यह जांचने गए थे कि क्या वे वादे के अनुसार ही डी एक्सक्लेशन समझौते का पालन कर रहे हैं या नहीं। वहां उन पर पूरी तरह बर्बरता से हमला किया गया। चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर कटीले तारों और पत्थरों से हमला बोल दिया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।